श्री राम अम्बज्ञ नाथ सव्वित। मैं दीपाली वीरा सहारे इंदौर लांबा केंद्र मध्य प्रदेश से हूँ। मेरा अभी 3-4 दिन पहले का अनुभव है और मेरे बेटे का अनुभव। मैंने उसको पढ़ाई के लिए सुबह उसके पापा ने भी डांटा और मैंने भी डांटा और उसके पापा ऑफिस निकल गए। ऑफिस निकलने के बाद हमको स्कूल जाना था कुछ एग्ज़ाम के बारे में पूछने के लिए, तो हम लोग स्कूल निकल गए। स्कूल निकलने के बाद मैंने उसको स्कूल जाते जाते और आते आते पूरा उसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से डांटा, स्ट्रिक होकर डांटा कि मैं प्रथम ऐसा नहीं करना चाहिए। तो घर आ गए वापस, 5 मिनट का काम था, स्कूल से 10 मिनट का रास्ता है। हम लोग घर आके वो अपने घर निकल गए। मुझे थोड़ा सा सामने वाले भाभी के साथ काम था तो मैं वहाँ पे निकल गई। तो 5 मिनट उनसे बात करती रही, बात करते रहते मेरा छोटा बेटा वो एक कागज़ लेके आता है और बोलता है, मम्मी ये आपको दादा ने कुछ लिख के भेजा है, दादा ने आपके लिए भेजा है। तो मैंने उसे खोल कर देखा तो उसमें सिर्फ मम्मी ही पढ़ा, बाकी आगे का तो मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं। और वैसे ही हम लोग दौड़ के भागे, सबने पूछा क्या होता, मेरे पास प्रथम गुस्से से निकल गए, बाकी सबने अपने अपने ढूंढा ढूंढी, अपनी कोशिश करी कि नहीं, सबने अपने अपने तरीके से सबने ढूंढना चालू कर दिया, अपनी अपनी गाड़ी लेके फोटो वोटो वायरल फटाफट फटाफट। मेरे हस्बैंड भी आ गए, हम लोगों ने ये सारी प्रोसेस, दिन हो गई रात हो गई, दिन भर भी हमने ढूंढ लिया। रात तो पूरे 4-4 बजे तक हम लोगों ने उसे कहे, कोई भी मोहल्ले वाला सोए नहीं, हम लोग और उसको ढूंढना हमने जारी रखा। लेकिन बाद में हमेशा मतलब जितने समय हमने उसको ढूंढा उतने समय मेरे मुंह में एक ही शब्द था कि बापूजी आप उसके साथ में रहो, बापूजी आप उसके साथ में रहो, बापूजी आप उसके साथ में हो। मुझे पता है, मुझे पूरा विश्वास है कि आप जानते हो कहाँ है कहाँ है। तो बापूजी पे विश्वास रख के ही मैंने सो 4 बजे की बात है, हम लोगों ने चाय वाय पी और अपने अपने घर आ गए। मैंने कहा चलो अभी अपन थोड़ा सा सोते हैं। सोकर मेरे बेटे को सुलाया मैंने और 4 बजे के बाद ना 5:30 बजे, 5:30 बजे मैंने बापूजी से बात करना चालू कर दी। बापूजी अब क्या करूँ, मेरा पठन में भी मन नहीं लग रहा है, मेरा पठन में मन नहीं लग रहा है, मैं क्या करूँ आप बताओ ना। अब मैं पूरी पूरी तरीके से टूट चुकी हूँ। आप ही हो जो इस मुसीबत से आप निकाल सकते हो। और मुझे पूर्ण विश्वास है, पूरा विश्वास है आपके ऊपर कि आप ही उसको लाओगे, आप ही उसको घर घर पे लाओगे। और मुझे पूरा विश्वास है, मैं ये बोल के गई। और अपना मैंने मुझे क्या करना चाहिए, मुझे अभी पाठ करना चाहिए। मैंने कहा हाँ, मैंने उसके लिए 3 बार की हनुमान चालीसा का पाठ करा। और फिर बाद में मन में आया कि हाँ बापू जी तो घोर कष्टोत्तम स्त्रोत्र का बोलते हैं, कष्ट अगर बहुत ज़्यादा होता हो तो उसके लिए। फिर मैंने घोर कष्टोत्तम स्त्रोत्र का पाठ 27 बार बापू जी से बोल कर करा, तो वो 23 बार के ही घोर कष्टोत्तम स्त्रोत्र। उधर फिर मेरे हस्बैंड ने भी 3 बार की हनुमान चालीसा स्टार्ट कर दी थी 4 बजे। और हम लोगों ने भी मैंने गायत्री मंत्र का जाप, घोर कष्टोत्तम स्तोत्र और हनुमान चालीसा। और जैसे ही घोर कष्टोत्तम स्तोत्र का पाठ 23 बार का हो चुका था, वैसे ही मुझे गेट की आवाज़ आई। गेट की आवाज़ आते से ही मैं दौड़ी और मैंने पूछा क्या हुआ, बोले नहीं लाओ गाड़ी की चाबी ले आओ। तो बोले हम लोग वो मिल गया है राजवाड़ा पे है, किसी पुलिस वाले के पास है। तो ऐसा बोल कर ही वो निकल गए। और फिर मुझे, मैं वो रोते रोते थोड़ा सा आंटी के पास अपना अनुभव बताने लगे, देखो मेरे बापूजी और ये भक्ति भक्ति मेरे काम में आई है और आज बापूजी ही मेरे काम में आए हैं, बापूजी ने मेरे बेटे को वापस लेके आए हैं। तो आंटी बोले हाँ सही है, तू भक्ति करती है ना। मैंने कहा हाँ आंटी। फिर मैं आकर मैं कहा आंटी मैं आ रही हूँ घर से, थोड़ा सा घर आके बापूजी से बोला, बापूजी बहुत बहुत अम्बज्ञ आई, बापू बहुत बहुत अम्बज्ञ। मैं उनको लेके खूब रोई, खूब खूब अम्बज्ञ था बापूजी। वैसे ही मेरा बेटा आया और मैंने उसे, मैं इंतज़ार करके करते हुए बाहर खड़ी थी। वो आते से ही हमने थोड़ा उसको रिलैक्स होने दिया, उसने मुँह हाथ धोया, उस वो भी खूब पकड़ के मुझे रोया। और उसके पूछा मैं, बेटा तू कहाँ था? तो बोले मम्मी मैं राजवाड़ा पे ही था। राजवाड़ा पे कहाँ था बेटा, तू किसी को दिखा नहीं? बोले नहीं मम्मी पुलिस वाले थे। मम्मी मैं रात भर अकेला ही था पुलिस चौकी पे बेटा। पुलिस चौकी के बाद मैंने थोड़ी वो टी शर्ट की दुकान, वो मैं टी शर्ट बेचने वाले को काम पूछा। और फिर वहाँ से फिर थोड़ा मुझे सुंदरकांड की आवाज़ आई, सुंदरकांड की आवाज़ आई मंदिर में। तो मैंने वहाँ सुंदरकांड करा, मैंने सारे पठन करे, शिव पंचाक्षर स्त्रोत्र हनुमान चालीसा, उसके जो भी रोज के पठन थे वो उसने पूरे करे वहाँ पे। और फिर वापस वो उस पुलिस चौकी पर जाके बैठा और उसने 170 रुपये लेके गया था। 170 में से सिर्फ 70 रुपये का उसने ऑटो करा। ऑटो करके 20 रुपये के पोहे और पानी की बॉटल खरीदी। उसके अलावा उसने कुछ पैसे भी खर्च नहीं करे। उसके मन में ऐसा भी कुछ कुछ नहीं आया गलत कि मैं ये करूँ कि ये नहीं, वो क्योंकि बापू जी उसके साथ में हर समय थे। और वो पुलिस वाले को
मैं मुझे ये समझ में नहीं आता कि वो लड़का, एक 12 साल का लड़का मेरा, कि वो दिन भर अकेला है, पुलिस चौकी पे बैठा है। उस पुलिस वालों ने एक भी पुलिस वाले ने ये बताया, ताकि वो पुलिस चौकी पे बैठा हो, एक भी पुलिस वाले ने उसको पूछना ज़रूरी नहीं समझा कि बेटा तू क्यों आया है, तेरे मम्मी पापा कहाँ है, कैसा। अगर वो अकेला दिखता तो पूछते ना। मुझे पता है कि बापूजी उसके साथ में पूरी तरीके से बैठे थे, तो बापूजी उसके साथ में तो किसी की पूछने की हिम्मत नहीं थी। बस एक पुलिस वाले ने उसे पूछा, बेटा तो आलू बड़ा खाएगा, तो उसने बोला नहीं। तो उन्होंने भी ठीक है बोल के, एक बुजुर्ग थे वो पुलिस वाले, तो उसने नहीं बोल के वो अपना बैठा रहा। फिर बाद में भी सारी दुकानें, पुलिस चौकी वगैरह बंद होने के बाद में वो वहाँ से उठ के फिर वापस एक दुकान के आगे, राजवाड़ा के आगे खड़ा, मतलब बैठा ही रहा। तो भी उसने वो पढ़ाई की सारी किताबें लेके गया था कि मैं पढ़ूंगा, कुछ आदमी बड़ा आदमी बनूंगा, इस हिसाब से गया था, मुझे पढ़ना है। तो मैंने मैंने उसको पूछा, अभी देखो डर नहीं लगा? बोले नहीं, मैं डर नहीं, किसी ने आते जाते, पुलिस वाले ने, सफाई वाले भी घूमते रहते हैं रात भर, तो उन्होंने भी नहीं पूछा। बोले नहीं मम्मी, 6 बजे तक किसी ने पूछा, 6 बजे वैसे ही जैसे जैसे बापूजी को ऐसा मैंने बोल के पाठ वाठ चालू करने के बाद, बापूजी को ऐसा कुछ लगा कि नहीं अब बापूजी, अब रात हो गई, दिन हो गई, ऐसा बोला मैंने। मैं कहा अब तो वापस ले आओ बापूजी, तो बापूजी ने वाकई में 5:45 जैसे ही मैंने पाठ चालू करा, वैसे ही बापूजी वहाँ पे पहुँच गए किसी रूप में। और बापूजी ने बोला कि उसके पापा को झट ना उसको उसको नाम पूछा सिर्फ उस इंसान ने कि बेटा आपका नाम क्या है, उसने बोला कि प्रथम सहारे, उसने झट इनको फ़ोन लगाया मेरे हस्बैंड को, और वैसे ही फ़ोन लगा के लिए पहुँच गए। और ये सिर्फ बापूजी ही कर सकते कि कैसे क्या, उसने झट सिर्फ नाम पूछा, फ़ोन नंबर नहीं पूछा, कुछ नहीं, और मेरा बेटा घर पे आ गया। ये सब बापूजी की ही कृपा है, बापूजी ने ही उन्हें फ़ोन करा है, बापूजी ने ही उन्हें बुलाया। और उस जेंट्स ने अपना नाम भी नहीं बताया कि मेरे को पता है कि किसी उस आदमी के रूप में मेरे बापूजी ही थे, और बापूजी ने ही मेरे बेटे को घर वापस लाया है, मुझे पता है। और अपन मुसीबत के समय डगमगा जाते हैं, अपने को क्या करना चाहिए समझ में नहीं आता, लेकिन मुझे अब पूरा विश्वास के साथ मैं बोलती हूँ कि अपने को कुछ घबराना नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। बापूजी ने बोला कि मत घबराओ, अगर आपको लगता है थोड़ी, लेकिन भक्ति में भी मन नहीं लगता उस समय, लेकिन आज कौन सी भी बड़ी से बड़ी मुसीबत आई, तो मुझे यही लगता है, मैं सभी को यही कहना चाहूँगी कि बस अपने को कुछ नहीं करना चाहिए, सारी चिंताएं छोड़कर बस एक ही बापूजी पे विश्वास रखते, एक ही अपने को करना चाहिए कि अपने को बस ज़्यादा से ज़्यादा पाठ करना चाहिए। और पाठ में बापूजी, बाकी सब बापूजी देखते हैं, और बापूजी सब देखते ही रहते हैं, और बापूजी हर समय संकट के समय तो अपने साथ में ही खड़े रहते हैं। मुझे इतना पूरा विश्वास, लव यू डैड, लव यू सो मच मेरे बापू, और इसलिए मेरे बापू इतने 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 अच्छे। हरिओम श्री राम अम्बर ननाथ सौभि।